अब्दुल्ला अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के जफरपुरा वार्ड नंबर संख्या 18/22 परगना तहसील मोहम्मदाबाद गाजीपुर स्थित बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार प्रशासन की सख्ती जारी है। वह आए दिन माफिया मुख्तार के नाते रिश्तेदारों के साथ ही गैंग से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के जफरपुरा में स्थित मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की लाखों की अचल संपत्ति को प्रशासन ने मुनादी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने बताया कि माफिया राज को खत्म करने के लिए और अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियां कुर्की कराई जा रही हैं। विगत कुछ दिनों में लोगों की लगभग 22 करोड़ की संपत्ति कुर्क कराई जा चुकी है। मुख्तार अंसारी गैंग की लगभग 19 करोड़ की संपत्ति को हम लोगों ने पिछले महीनों कुर्क किया है। इसी क्रम में आज इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गई जफरपुरा में स्थित अचल भू संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर धारा 14(1) के अंतर्गत मुनादी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कुर्क संपत्ति की कीमत 50 लाख से अधिक है। गैंग से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान COBS सिंह, उप जिलाधिकारी हर्षिता तिवारी, कोतवाल अशोक कुमार मिश्रा, तहसीलदार विजय प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव, करीमुद्दीनपुर थानाध्यक्ष विश्वनाथ यादव, बरेसर SO गजेंद्र राय सहित बड़ी संख्या पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।